नमस्कार दोस्तों, हिमाचली रसोई में आपका स्वागत है। मैं कमलेश कुमारी। आज हम बना रहे हैं भिंडी, जो बनाने में बहुत आसान है, लेकिन इस तरीके से जो मैं बताऊंगी उस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और करारी बनेंगी, जिसमें बिल्कुल लार भी नहीं आएगी, जो देखने में भी बहुत सुंदर रहेगी और खाने में टेस्टी। आप सोचेंगे भिंडी तो नॉर्मल चीज़ है, क्या है, लेकिन जो नए नए बच्चे सब्जी बनाना सीख रहे हैं, खाना बनाना, उनको तो पता नहीं है कि भिंडी किस कैसे बनाई जाएगी, जो बहुत ही करारी और टेस्टी बने, तो उनके लिए है। आप मेरी वीडियो अंत तक देखना, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए अगर अब तक नहीं किया हो, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आइए देखते हैं भिंडी बनाने के लिए हम किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें भिंडी बनाने के लिए हम ये सबसे पहले भिंडी ले लेंगे, आधा किलो भिंडी ली है, अभी काट लेते हैं। ऐसे पीछे वाला जो सख्त भाग है इसको काट के रख लेंगे, ये भी, और ऐसे ही ऐसी वाली मोटी मोटी हम इसको ऐसे काट लेंगे। ऐसे ही सारी को इसको नहीं डालेंगे, सारी को हम ऐसे ही काट लेंगे। जो बारीक भाग अगर हम नहीं काटेंगे तो जब हम बना सब्जी बनाएंगे तो बहुत सूखी सूखी बनेगी, इसलिए इसको भी निकाल देते हैं। ऐसे ही सारी भिंडी को हम काट के रख लेते हैं। ओके, हमने काट ली है, अभी इसमें हम टमाटर डाल देते हैं, इसको भी हम इसमें काट के डालेंगे। आप सोचेंगे कि इसमें क्यों डाल रहे हैं, बाकी सब्जियों में तो तड़के में डालते हैं, लेकिन इसमें बहुत टेस्टी बनती है हमारी भिंडी अगर हम इसमें ऐसे ही काट के डाल दें, छोटे छोटे पीस भिंडी के बराबर के। टमाटर मैंने काट लिया है, ये हरी मिर्ची है, इसको भी मैं काट दूंगी। अगर आप चरपरी टेस्टी और करारी भिंडी खाना चाहते हैं तो ऐसे इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगी दोस्तों। आप मेरी इसके लिए अंत तक मेरी वीडियो देखना, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए अगर अब तक नहीं किया हो। अभी मैं प्याज काट रही हूँ, अभी इस प्याज को भी मैं भिंडी में ही काट के डाल दूंगी। ऐसे छिलका उतार के थोड़ा बारीक काटूँ, बारीक नहीं काटूंगी इसमें, ऐसे हम तड़के के लिए तो बारीक काटते हैं, इसमें थोड़ा मोटा मोटा ही काटना है, तभी हमारी भिंडी बहुत टेस्टी बनेगी। ये तीनों प्याज मैंने काट के डाल दिए, अब लहसुन को बारीक बारीक तड़के में डालने के लिए काट देते हैं। ये सब्जी मैंने काट ली है, अभी एक चम्मच मैं इसमें नमक का डाल देती हूँ, एक चम्मच हल्दी का डाल रही हूँ, एक चम्मच देगी मिर्च और एक चम्मच गरम मसाला, ये सब मैं पहले डाल रही हूँ, इसमें बहुत अच्छा बनता है। अभी मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है, गैस ऑन कर दी है, अभी एक बड़ा चम्मच जो है मैं तेल का डाल रही हूँ, इसको ठीक से गर्म कर लेते हैं। तेल से धुआं निकल चुका है, अभी मैं साबुत धनिया और साबुत तीन मिर्चें डाल रही हूँ, अब इसको भून लेंगे, ऐसे ही कलर चेंज हो जाएगा तो मैं जो लहसुन काटा है उसको भी डाल रही हूँ। लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है, अभी सारी जो भी सब्जी काटी है मैं उसको भी डाल रही हूँ। अब इसको मिला देते हैं, सारा मसाला फिर से मिलना चाहिए इसमें। मसाला मिल चुका है, अभी इसमें हल्का सा पानी भी डालूंगी, इसमें दो तीन चम्मच भी डालूंगी, ऐसे ही छिड़का देके ताकि इसमें नमक ठीक से चला जाए। अब इसमें दो मिनट के लिए बराबर ढक्कन लगा देंगे, कम आंच में ही पकाएंगे और दो मिनट के बाद देखेंगे कैसी हुई, बिल्कुल हाफ बॉयल करनी है, उसके बाद मैं आगे का प्रोसीजर बताऊंगी। अब ढक्कन उठा के देखते हैं, चार मिनट हो गए हैं, मैंने बीच में एक बार पलटा दे दिया था, अभी ऐसे ही पलटा देंगे इसको, जैसे नीचे नहीं लगनी चाहिए। अभी हम देखेंगे कि हमारी भिंडी करारी हुई गली की नहीं, ऐसे ही देख लेंगे, हल्की सी, जैसे हल्की सी गल गई है और
करारी नहीं है। अभी करारी कैसे करनी है, जैसे ये पानी है इसको कैसे सुखाना है, तो तेज आंच कर देंगे और भिंडी को जो है ऐसे ही इधर उधर कर देंगे, और जिससे हमारी भिंडी बहुत करारी बनेगी। अब हम ढक्कन नहीं लगाएंगे, ऐसे ही बार बार इसको पलटा नहीं देंगे, नहीं तो भूल सकती है, इसलिए हम एक ही बार देंगे पलटा। एक मिनट तक हम ऐसे ही इसके ज़्यादा अंश के ऊपर रखेंगे। अभी इसको आराम से पलट देंगे, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे कि जल्दी जल्दी किया तो ऐसे ही तो भूल जाएंगे, तो इसको ऐसे ही आराम से नीचे से पलटेंगे कि नीचे तो लगी तो नहीं, और फिर इसको खुल्ली खुल्ली फिर से कर देंगे और ऐसे ही थोड़ी देर के लिए फिर से पका लेंगे। ये देखिए अभी हमारी भिंडी जो है काफ़ी नरम हो चुकी है और करारी भी हो चुकी है एक एक करके, आप कैसे भी देख सकते हैं। देखिए अभी पानी बिल्कुल नहीं है, तेल दिख रहा है कड़छी के ऊपर भी। ऐसी ही भिंडी हमें चाहिए। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच फिर से गर्म मसाला का डाल देते हैं। अगर आपको और भी चटपटी खानी है तो आप पीसी हुई मिर्ची भी आप ऊपर से डाल सकते हैं, वो तो स्वाद के अनुसार ही पड़ेगी। वैसे इसमें हरी मिर्च काट के डाल दी है और मसाले भी सब डाल दिए, बहुत अच्छी भिंडी बनी है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए अगर अब तक नहीं किया है। ये हो गई हमारी टेस्टी करारी और बढ़िया भिंडी तैयार। दोस्तों भिंडी में तो इतना ही ध्यान रखना होता है कि इसमें पानी ज़्यादा ना पड़े, जिसमें लार अच्छी नहीं लगती और एक एक भिंडी ऐसे खिलके आए तभी अच्छी भिंडी बनती है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।